मुझे पता है फ्रेंड, आप YouTube पर कई सारे लोगों की वीडियो देख देख के पक चुके हो, लेकिन आपका जो YouTube शॉर्ट वीडियो है अभी तक आपकी गैलरी में सेव नहीं हुआ है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अपने YouTube शॉर्ट्स वीडियो को आप गैलरी में कैसे ला सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है गलत एडवाइस देते हैं आप लोगों को, मुझे पता है। लेकिन आज की इस वीडियो आप लोगों को एंड तक देखने के बाद आप लोग जरूर से सीख जाओगे कि YouTube शॉर्ट्स वीडियो को अपने गैलरी में कैसे सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है कि मेरे वीडियो को एंड तक देखना है, एंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इस चैनल पर इस तरह की वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बस आप लोग को वीडियो को एंड तक देखना है एंड पूरा प्रोसेस अच्छे तरीके से समझना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली मैं अपने YouTube वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपने YouTube पर वीडियोस को देखते हो, चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो या फिर लॉन्ग वीडियो हो। तो पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग शॉर्ट वीडियो कैसे डाउनलोड कर सकते हो अपने फोन की गैलरी में। जैसे कि आप लोग यहाँ से शॉर्ट वाले ऑप्शन से शॉर्ट वीडियो कई सारे वॉच करते होंगे मुझे पता है, और आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो अपने फोन में। जैसे कि आप लोगों को किसी भी वीडियो का स्टेटस लगाना है तो आप लोग इसको डाउनलोड करना चाहते हो अपने फोन की गैलरी में। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग वो कैसे कर सकते हो, YouTube पर से शॉर्ट वीडियो को कैसे डाउनलोड कर सकते हो, सेव कर सकते हो अपने फ़ोन में। तो फ्रेंड उसके लिए जैसे मैं यहाँ पर किसी भी एक शॉर्ट वीडियो को यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, किसी भी एक शॉर्ट वीडियो पे, तो मैं यहाँ से शॉर्ट वीडियो पे चला जाता हूँ शॉर्ट वाले ऑप्शन पे, और जैसे मुझे यहाँ पर ये शॉर्ट्स वीडियो यहाँ पर डाउनलोड करना है। तो उसके लिए मुझे करना क्या है कि मुझे यहाँ पर शेयर वाले ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जैसे मैं शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ एंड मुझे इसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पर राइट साइड थोड़ा सा करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, तो आप लोग को यहाँ पर थ्री डॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन। ये आप लोगों को क्यों दिखाई दे रहा है पता है? क्योंकि फ्रेंड मेरे फोन में जो है बिडमेट एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड किया हूँ, इसलिए यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब मैं बात करता हूँ कि आप यूट्यूब पर से शॉर्ट वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसका आंसर है नो, क्योंकि यूट्यूब ये परमिशन नहीं देता है। इसलिए आप लोग को यूट्यूब पर कहीं भी आप लोगों को डाउनलोड या सेव का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप किसी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। इसका रीज़न भी मैं बताता हूँ कि YouTube ये इसलिए ये ऑप्शन नहीं देता है क्योंकि YouTube चाहता है कि मेरा जो वीडियो है वो डाउनलोड करके दोबारा YouTube पर अपलोड ना किया जाए, इसलिए यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आप लोगों को कहीं भी नहीं दिखेगा। ये YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ होता है। लेकिन फिर भी गाइज मेरे आप लोग गैलरी में कई सारे डाउनलोड वीडियो आप लोग देख पा रहे होंगे क्योंकि मैंने ये YouTube से ही डाउनलोड किया हूँ। लेकिन आप लोगों को उसके लिए करना क्या है, आप लोगों को कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, लेकिन आप लोगों को YouTube पर डायरेक्ट डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिखेगा। अगर आप YouTube से डायरेक्ट वीडियो डाउनलोड करते हैं तो आप लोगों को YouTube में ही रखना पड़ेगा, गैलरी में नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका डाउनलोड वीडियो गैलरी में आए तो उसके लिए आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन इतना ध्यान रहे कि वो डाउनलोड वीडियोस हैं दोबारा अपलोड कहीं भी नहीं होना चाहिए, या फिर YouTube पे या फिर कोई भी एप्लीकेशन पे, नहीं तो आपके चैनल पे जो है YouTube चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक देखने को मिल सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।